अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? सब भी अच्छे हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, नींबू का अचार यानी पैकल, लेमन पैकल, नींबू का अचार बनाने जाता हूँ। देखो ये भी एक तरीका इंशाल्लाह। एक आपको 50 ग्राम 100 ग्राम है एक नींबू। देखो हाथ भर रहा है, देखो माशाल्लाह। कैसे ऐसे पीले लिमुआ निकल लेना, अच्छे ज़बरदस्त कुराड पीले लिमुआ लेको, धो को पोच को ऐसे फैन के नीचे जरखत सूखने रख देना। रखने के बाद बिंजा निकाल डाल को, काट को, क्या एक 15 लिमुआ, मैं समझो एक 40 लिमुआ लियो समझो, उसमें आपको 15 लिमुआ का खट्टा निकाल को बाजू को रख लेना। बाकी के एक लींबू में आपको 8 पीसा के नमाज कर लेना, अच्छा हता समझे नहीं कर लेगी। एक कैसा तरीका देखो कैसा करते हैं कि इसके बिंजा निकालना से क्या वास्ते रखो तो, नहीं तो कड़वा कसाला आता, बच्चे भी खा सकते नहीं। बिंजा निकाल डाले तो अच्छा समझते हो, क्या बोलते हैं वैसा। देखो लिमुआ बड़े प्यारे लिमुआ दोस्तों, अभी काट को इसकी बिंजा निकाल डालता हूँ। देखो माशाल्लाह क्या प्यारे हैं कि लिमुआ थन 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 गति ऐसे रहना लिमुआ अचार को जबरदस्त हती। देखो ऐसा नींबू पाँव पूरे आपको ऐसा काट लेना ये स्टाइल से, बिंजा आपको ऐसे निकाल लाना बाजू को समझे नहीं, और आपको 15 लिमुआ का खट्टा सेपरेट निकाल लेना। देखो दोस्तों ऐसा काट लेना पूरा। देखो उसका तरफ एक तरफ मोगश, ये देखो खट्टा इसका बिंजा, देखो निकाल कर छड़ डाले ऐसे पूरे वो छिटले, वो छिटले आंका पूरा ये रस है। देखो ये रस डाला निकाल कर रख लेना 10-15 लिमुआ पूरे बिंजा, एक बिंज ने इसके निकाल को छड़ डाली। बिंज है तो मर्दानगी भी खत्म हो जाती बेटे, खे तो इसका कड़वा पुरुट लगने देना नहीं, ऐसा कर लेना। लगने मालूम नहीं करती है। फिर इसमें क्या करना, लिमुआ में ऐसा का कच्ची हल्दी डाल लेना जरी, ऐसा डाल लेना जरी डाल लेना, आपको ज़्यादा नहीं इसका, ये चमचा इसमें चखेंगे। और नमक देखो कितने स्पून डालते हैं, बिस्मिल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दस स्पून डाल लेको इसमें, आपको हल्दी बुकनी डाल को ऐसा हला लेना। ऐसा हला लेना दोस्तों, ऐसा हला को मिला लेना, ऐसा अच्छा मिला लेको। ये रस है नहीं, इसमें दाल डालना पूरा नींबू का खट्टा। दाल को 10-12 दिन ऐसा रख डालना, मसाला डालना नहीं इसमें, बल्कि नहीं मसाले डायरेक्ट दाल को मिला डाल कर डालती कसाले अचारा बुरे भात के अचारा। हरे लिमुआ लेना नहीं, कसाले हती हरे लिमुआ, हरे लिमुआ ले लेना नहीं, ज़्यादा छीटा है से नींबू भी लेना नहीं, अच्छे दिखते नहीं। देखो ये आपको ऐसे मिला को, फिर नमक बराबर है से नहीं सा हलाते, बीचा में भी हलाते रहना, इसे कपड़ा बांध कर रखो रख डालना। 10-12 दिन ऐसा ढप रखना, बीचा में आपको रोज करो एक बार हलाते जाना है समझे नहीं बेटे। अब आपको 10-12 दिन से माशाल्लाह हो गया, 9-10 दिन पूरे हो गए। अब ये माशाल्लाह देखो अचार दोस्तों, नींबू का अचार देखो ऐसा करिए। अब इसे मसाला बना डालना माशाल्लाह जबरदस्त है। कलौंजी भी लहसुन डाल लेना भी, उसके बाद देखो 1-2 डल्ले लहसुन, 1 स्पून कलौंजी डाले तो अच्छा होता, क्या बोलते हैं। दाल को मिला लेंगे, तलना नहीं लहसुन को, कच्चा लहसुन डाल लेना। मेरा सिस्टम सब अलग है लेकिन निपता अचार कितने दिन हिंदे भी और अच्छा भी रहता दोस्तों इंशाल्लाह। कलौंजी आकाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती मौत एक चुक्को हर बीमारी की शफा भी है, क्या बोलती हैं। इसलिए मैं कलौंजी आपको डालती हूँ अक्सर, बहुत मोहब्बत मुझे कलौंजी से, समझे ना, बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ ये अचार के साथ है। ये ठंडी ज़्यादा नहीं, सर्दी वाले भी खा सकती हैं अचार, कई कहते हैं इसमें कलौंजी डालिए। ये अचार के साथ कलौंजी के 2 दाने भी मुंह में चल गए ना, गर्म भी और आदमी को अच्छा भी माशाल्लाह, कौन भी खा सकती है। हमारे चीज़ कोई भी खाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट नहीं इंशाल्लाह, नेचुरल फूड पूरा। देखो दोस्तों अब ज़ीरा भी मेथी, ज़रा ज़ीरा मेथी भून ले को पाउडर बना लेना, भून लेकर पाउडर बना लेना इसका। देखो ऐसे ऐसे लाल कर लेकर माशाल्लाह, ऐसे ठंडी कर लेना दोस्तों, इसमें रख लेकर ऐसा डाल लेकर
ठंडी कर लेना जीरा मेथी, कल्ले को पाउडर बना लेना। ये देखो ये तेल है, आपको ये आपको फ्रीडम है राइस ब्राउन ऑयल कहते हैं, अच्छा कहते हैं माशाल्लाह। ये डाल लेते हैं हमें, चलो भी को संदे भी डाल ले सकती है, समझे नहीं। उसके बाद एक स्पून दो स्पून ये राया लाइट से भुले पर इसमें मिला लेना, पाउडर कर लेना, ये भी एक पता नहीं तो अच्छा था नहीं। और ये राया का पाउडर भी डालती है, सेपरेट भुल लेना, भुल लेकर बना लेना। कल लगे ना जीरा मेथी राया मिला को भूनती गलत हो कई कर कहते जरा ज्यादा होगा तो भी है सेपरेट कर ले सकते हैं, उसमें सेपरेट कर ले सकते हैं हम ना को जीरा भी मेथी जरूर होते हैं ना सच, उसमें राया कितने डाले ना उसमें डाले सकते हैं। अगर बैठा दिया रहता है चटपट 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 करते होगा माशा। दोस्तों काल कम से काल कीजिए तेल कच्चा लिमा लिमा का तो छोटे बहती हैं बड़े बहती हैं, या आपको राया डेढ़ स्पून राया एक स्पून समझो एक स्पून समझो जीरा या आपको करपात मिर्ची कड़ला होना या आपको मेथी जीरा और राया कितने हम तो भुने हुए वो सब डालने ये छोटी आँच कर लेना ऐसा कर ले तो उसमें ये डाल लेना ये आपको मिर्ची इधर कितनी एक मिर्ची मिर्ची यानी हाफ इस हाफ हाफ गिलास मिर्ची हाफ गिलास बल्कि मैंने तेल कम डालती मैं आपको ज़रा तेल डाल दी तो दोस्तों ये ठंडा होने के बाद अचार में मिलाना इंशाल्लाह। बलग जने लहसुन आको तेल में डाल को तलती है तलना नहीं, ये सबसे बड़ी गलत समझे नहीं। खट्टे में मुरको लहसुन है रह जाना, लहसुन का असर असर आको खट्टे में निकल को खाने के बाद वो हार्ट के लिए बड़ा अच्छा। नींबू आको पेट में की गर्मी निकाल डालता, ज़्यादा मिर्ची मसाले ने इसके साफ से मिला को सिंपल में करके ऐसा रख ले खाना कितने साल में हमने क्या भी होता नहीं अचार दोस्तों इंशाल्लाह। अब ठंडा हो जाने के बाद इंशाल्लाह इसमें मिला को मिक्स कर डाल को फिर को एक हफ्ता उठा कर रख डाल को हलाते रहना बीच में फिर हाथ से डाल ले खाना बड़ा टेस्ट क्या खुशबू है माशाल्लाह। देखो देख बेटे ये आपको ऐसा खाना मसाला ये ठंडा होने के बाद आपको ये आपको देखो एक स्पून हिंग हिंग डाल लेना और ये यानी डेढ़ स्पून हिंग पाउडर डाल लेना ठंडा होने के बाद मिलाना ऐसा। देखो ये कलर खाना ऐसा रखना मसाला ये होने के बाद डालना हमें ये डब्बे के आवाज़ से मालूम है ये डब्बे क्या ही कुर को देख लीजिए यहाँ है देखो आइटम पलंग तोड़ हलवा ये हलवा पार्सल भेजने का है बेटे मन से देखो कैसा है कि हलवा है ये बना हो रख डाली राशी कहानी बेटे ये मिनत दुनिया की मिनत ड्राई फ्रूट हम पूरे दाल को ये पलंग तोड़ हलवा मर्दानगी का है ये अलग फिर भी दिखाते हैं इसमें ये नींबू का अचार का बेटे देखिए डेढ़ स्पून हिंग डालने को इसमें से मिला लाल भी देखो इंशाल्लाह अब नींबू के अचार में मिला लाल को मिक्स कर डाल को उठा कर डालना एक हफ्ते के बाद निकाल को कभी भी खा सकती है एक बरस नहीं दो साल का क्या होता है जबरदस्त होता माशाल्लाह के दिखाते मिलाता दिखाते देखो अब इंशाल्लाह। या तो इसमें मिला डालने के बाद क्या इसमें मिला डालने के बाद ये मसाला इंशाल्लाह कांच के बाटला में तो जाड़ी में दो में डाल लेना देखो नमक बराबर है कि नहीं कि देख लो अब एक प्रति नमक डाल ले सकती बराबर है तो क्या देखो दोस्तों कैसा है कलर
प्रति नम तलेना जर्रा एक दो स्पून माशाल्लाह जरा नमक रत्ती कम है एक दो स्पून बस हो गया सा खलास माशाल्लाह ना कसाला है हाँ ना बुरी बदबू है ना कुछ आलत फालतू है माशाल्लाह इतना टेस्ट है इतना खूबसूरत है अच्छा ना डाल लेता सिंपल हो देखने में भी सिंपल बनाने में भी सिंपल लेकिन तरीका आप एक जनेंगे अगर कम होता ये तरीका कल कितने दिन को भी और मेरे मसाले कैसा रखता था लाल कच्चे मसाले ऐसे नहीं होते सोन दिबास होना खुशबू रहना ज़्यादा खुशबू रहना मिलते देखो माशाल्लाह देखो से बोलती अच्छा क्या बोलती देखो रखी डाल को घी डाल खा देखो माशाल्लाह नींबू का अचार करती है सा नींबू का अचार करते हैं बेटा क्या सोंदा अचार हो अचार में आपको कसालापन नहीं कड़वापन नहीं कई का छंद नहीं सोंदा खा को घर में सब तारीफा करते हैं माशाल्लाह अचार हो एक दो पोतियां डाले ऐसा गर्म खाने में घी डाले को खले जा अर्जेंट इमरजेंसी में ऐसा अचार ऐसा येलो कलर का रेड कलर का ग्रीन कलर का ब्लैक रकमा ही बनाने के अचार आपको नींबू क्या मुझे सात रकम क्या थी माशाल्लाह उसमें ये रकम ओके जजाक अस्सलाम वालेकुम।